तो राजधानी शिमला के सड़कों पर देखिए किस प्रकार से जो कोविड वॉरियर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनसे जानेंगे क्या इनकी मांग है। लेकिन सैकड़ों की संख्या में कोविड वॉरियर्स शिमला पहुंचे हैं और इनको अब ये लग रहा है कि इनकी जॉब खतरे में है और ऐसे में जो है वो कहीं ना कहीं जो एक्सटेंशन 30 सितंबर तक बढ़ाया गया उसके बाद हटाने के जो है उसमें साफ शब्दों में लिखा गया है नोटिफिकेशन में हटाया जाएगा। अब जानेंगे क्या डिमांड है इनकी और क्या। अंजलि जी, अंजलि जी, मैडम आज सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं कोविड वॉरियर्स। क्या वजह है, क्या मांग है और क्यों जो है वो ऐसी मोहब्बत आई है सड़कों पर उतरना पड़ा? सबसे पहले तो मैं कोविड वॉरियर की प्रेसिडेंट होने के नाते आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि आप ही के माध्यम से जो है हर समय हमारी मांग जो है सरकार तक पहुंचती रही है और आगे भी पहुंचाते रहेंगे, हम पूरा नाशा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सैकड़ों कर्मचारी जो है सड़कों पर आए हैं, तो सबसे पहले हम कहना चाहते हैं कि हम सीएम साहब का धन्यवाद करने आए हैं कि उन्होंने एक मंथ की जो है हमारी एक्सटेंशन बहाल की थी और साथ में ही हम उनसे विचार विमर्श करने आए हैं कि सर जो आपने एक्सटेंशन के साथ जो रिलीविंग ऑर्डर जो हमारे दिए हैं तो हम लोगों से ऐसी क्या गलती होगी है जो कोरोना काल में हमने इतनी सेवाएं प्रदान की है उसमें क्या कमी रह गई है जो आज हमें सड़कों पर उतरने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा है। तो हम यही अपने सीएम साहब से बातचीत करने आए हैं कि जो इतने लोग हैं जिनका घर जो है इसी से चलता है, जिनके बच्चों का पालन पोषण कोविड के दौरान दी गई सेवाओं से जो हमें नौकरी प्राप्त हुई है और सेवा विस्तार जो बार बार मिलता रहा है वही उम्मीद बनी होती है, उसी से जो है हमारे घर का पालन पोषण हो रहा है। अगर ये नौकरी चली जाती है तो बहुत से कर्मचारी के घर परिवार का जो है चूल्हा चलना बंद हो जाता है। तो क्या मांग रहेगी आप, क्योंकि आपको रिलीविंग ऑर्डर आ गया 30 सितंबर में आपको हटा दिया जाएगा सब लोगों को, तो क्या अभी जो है वो वार्तालाप करेंगे पहले और आज भी हालांकि आप सचिवालय घेराव करने आए हैं शांतिपूर्ण प्रदर्शन आगामी समय में क्या करने वाले हैं? सर देखिए अभी हम शांतिपूर्ण ढंग से जो है वार्तालाप करने आए हैं और जो हमारी आगे की जो सेवा विस्तार है उसको हम निरंतरता चाहते हैं उसमें और बाकी जो हमारे लिए सीएम साहब अच्छा ही सोचेंगे क्योंकि हमने सुना है कि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो हमेशा ही कर्मचारियों के हित की सरकार रही है जबकि हमने देखा है कि सत्ता में आते ही उन्होंने 10 गारंटियों को में से कुछ गारंटियां पूरी करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं कोविड कर्मचारी भी इसी सिलसिले में आज यहां आया है कि हमारी भी जो है नौकरी को है वो सुरक्षित करेंगे। तो हम सीएम साहब से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि हम जो है अपने परिवार में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के दिन रात सफर करके जो यहां आए हैं तो कृपया जो हमारी बात का थोड़ा सा सुन लिया जाए और हमारी ओर ध्यान दिया जाए। गुहार आप काफी बार लगा चुके हैं, कुछ हुआ नहीं, एक्सटेंशन में बहुत लेट मिलता है, अभी भी लग रहा है कि एक्सटेंशन अगर नहीं मिलता है तो क्या अगला कदम रहेगा? सर पहले तो हम लोग सर से बात करेंगे और आगे की जो रणनीति है अगर नहीं सुनाएंगे नहीं सुनेगी सरकार तो आगे हम उसके लिए रणनीति बनाएंगे। शुक्रिया। अपना नाम बताएं, कौन से जिला से आप आए हैं? जी मेरा नाम बनीता कुमारी है और मैं रियल कोविड वॉरियर्स में चंबा डिस्ट्रिक्ट की जो हूँ प्रेसिडेंट हूँ और हम जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। जो चंबा में काफी समय से सैलरी भी नहीं मिली, कितने समय से सैलरी नहीं मिली? जी हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई है, अभी तक नहीं मिली और हम बहुत मुश्किल से इतनी दूर से ऐसे ऐसे मौसम में और इतने खराब रास्ते में जो है बिना पैसे से बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं। इसी उम्मीद से पहुंचे हैं कि सर जो है हमारे लिए कुछ अच्छा ही करेंगे। क्या लगता है आपको कि 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है और आगे की आपको जो है कि आपकी कुछ अच्छा यहाँ पर होगा उम्मीद है आपको? क्या देखिए हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद पे ही टिके रहेंगे, हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं, जितना हो सकता है हम सर से रिक्वेस्ट ही करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से जो है हम अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश करवाएंगे सर से। जो एक्सटेंशन आपको मिला है उसमें साफ लिखा गया है कि उसके बाद आपको हटा देंगे, उसमें साफ शब्दों में लिखा गया उसके बाद भी आपको आस है कि आप रखेंगे?
अब वो हमारे जो है वो सीनियर हैं, तो हम जो है उनसे आस ही कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हम जो है वो अच्छे से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज हमारी जो है मांगे पूरी करी जाए, क्योंकि बहुत दिनों से ना सैलरी आई है, अब तो उम्मीद ही नहीं है कि आगे हमारी जो है वो नौकरी रखी जाएगी। तो उसके लिए हम सर से रिक्वेस्ट करने आए कि प्लीज हमारी जो है वो जॉब जो है वो कंटिन्यू की जाए, और जो 3 महीने का एक्सटेंशन है उसको जो है वो भी खत्म करके एक पॉलिसी बनाई जाए, ताकि हम भी अपना भविष्य जो है वो सिक्योर मान सके। सवाल ये कि कोविड के मामले कम हो गए हैं, तो ऐसे में जो बहुत सारे लोग हैं आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में भी आप सेवाएं दे सकते, क्योंकि कोविड के मामले कम हुए सरकार ने? सर वो हम 2 सालों से दिए जा रहे हैं, जब उसमें नहीं कर रहे हैं आपको आगे? नहीं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, जो है वो कह रहे हैं कि हो आप कोविड के लिए, लेकिन जो सेवाएं हैं वो निरंतर हमारी अदर वार्ड्स में भी ली जा रही है कंटिन्यू 2-2.5 साल से, जो हमारी सेवाएं वहां से भी ली जा रही है। में सेवाएं दे रहे? मैं एज अ स्टाफ नर्स सेवाएं दे रही हूँ। क्या नाम है आपका? तो तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए जो यहाँ पर कुछ एक जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो चंबा जो दूर दराज का जिला है प्रदेश का, वहां से यहाँ पर पहुंची है, और इनकी आप जो कह सकते हैं आप 4 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है कुछ कर्मचारियों को, तो ऐसे में अब सीएम सुक्खू से इनको आज से कि सीएम जो है वो एक्सटेंशन इनका आगे बढ़ाएंगे, अब देखना पड़ेगा सरकार क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल जो इनकी मांग है वो यही है कि जो स्थाई एक ऐसी चीज लाए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन जो एक एक्सटेंशन की एक